किसी भी फिल्म को बनाने के लिए एक निर्देशक को काफी मेहनत करनी पड़ती है, उसे अपने एक्टर से अच्छा काम निकालना होता है। वहीं टेक्निकल डिपार्टमेंट भी काफी मायने रखता है, ये कैमरा, लाइट्स, मेकअप और कस्ट्यूम। कस्ट्यूम की बात से याद आई कि कस्ट्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी फिल्म को बनाने के लिए, और कस्ट्यूम पर काफी मेहनत भी की जाती है, और कभी कभी कस्ट्यूम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। आपको याद ही होगा देवदास में जिस साड़ी का इस्तेमाल किया गया था डोलारे डोलारे गाने पर, वो काफी महंगी थी। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी ही बनी, उनके कंटेंट इतने मजबूत थे, उनका सब्जेक्ट इतना मजबूत था कि लोगों की निगाहें पर्दे से हटी नहीं और फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हो गई। आज हम लोग कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिसमें नायक या नायिका ने एक ही कपड़े में पूरी फिल्म को निकाल दिया और फिल्म भी अच्छी बनी। जानते हैं कुछ एक फिल्मों के बारे में आज के वीडियो में। हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है मौली बच्चन। इस लिस्ट में मैंने जो पहली फिल्म को रखा है वो है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया एक ऐसी फिल्म थी जिसे 90s के किड बहुत अच्छी तरह याद रखते हैं। ये लेट 80s में फिल्म बनी थी, अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी। अनिल कपूर ने इस पूरे फिल्म में सिर्फ एक कॉस्ट्यूम में ही निकाल दिया था। अनिल कपूर ने इसमें एक कोट पहना था और एक गोल्ड टोपी पहनी थी, और उनका ये लुक राज कपूर के श्री 420 से काफी मेल खाता था। कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर इंडिया कितनी बड़ी हिट फिल्म थी। हाँ, ये भी सही है कि इसमें श्रीदेवी और अमरीश पुरी का रोल भी काफी दमदार था और डायरेक्शन काफी लाजवाब था। इस लिस्ट में दूसरी फिल्म है वंस अपन अ टाइम इन मुंबई। अजय देवगन का जो किरदार था वो मुंबई में एक समय राज कर रहे अंडरवर्ल्ड डॉन पर आधारित था। इस फिल्म में अजय देवगन ने सिर्फ एक सफेद शर्ट पहनी थी और पूरे फिल्म में वो इसी शर्ट पर नजर आए थे। अजय देवगन का किरदार इतना मजबूत था, इतना तरीके से उन्होंने इस किरदार को निभाया था कि फिल्म तो हिट हुई ही, अजय देवगन की कामगिरी भी खूब तारीफ हुई। इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है मुन्ना भाई MBBS। नहीं, मैं संजय दत्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अरशद वारसी की, अपने सर्किट की, जो कि अपने अनोखे अंदाज से लोगों को खूब हंसाते हैं और अपने चुलबुलेपन से लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं। इस फिल्म में संजय दत्त ने जितनी अच्छी भूमिका निभाई थी उतना ही अरशद वारसी ने भी अपनी भूमिका के साथ न्याय किया था। सर्किट की भूमिका इतनी सशक्त थी कि लोग सिनेमा हॉल में तालियां बजाने को मजबूर हो गए थे। लेकिन सर्किट का जो ड्रेस कोड था वो काफी लाजवाब था, उनके कैरेक्टर को काफी मैच करता हुआ था। उन्होंने भी सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में पूरे फिल्म में काम किया, और ये कैरेक्टर तो काफी लोगों के जहन में रहा ही, सर्किट की भी खूब तारीफ हुई। चौथे नंबर पर जो नाम है वो है फिल्म गुलाब गैंग में माधुरी दीक्षित का रोल। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपनी एक टीम बनाई थी जिसके सदस्य गुलाबी रंग के साड़ी पहनते हैं और माधुरी दीक्षित उनकी मुखिया रहती है। माधुरी दीक्षित और जूही चावला के अभिनय ने इस फिल्म को बहुत मजबूती प्रदान की थी। फिल्म एक खास तबके को काफी आकर्षित करती थी और इसमें माधुरी दीक्षित और जूही चावला दोनों की खूब तारीफ हुई थी। इसी फहरिस्त में एक और नायिका है, अनुष्का शर्मा। उन्होंने NH-10 में एक ही कपड़े में पूरी फिल्म गुजार दी। फिल्म की कहानी एक कपल पर आधारित थी जो एक रोड ट्रिप के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों से उनकी मुठभेड़ हो जाती है और उसके बाद उनका ट्रिप पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। थ्रिल से भरी ये फिल्म अनुष्का शर्मा के बेजोड़ एक्टिंग और एक्शन से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही थी। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो जरूर देखें। इस फहरिस्त में एक और फिल्म है जिसका नाम है चमेली, जिसमें करीना कपूर के साथ राहुल बोस थे। ये फिल्म एक वेश्या पर आधारित थी और इसमें करीना कपूर ने कुछ रंग बिरंगे साड़ी पहनी थी और इसी साड़ी पर पूरी फिल्म निकल गई थी। फिल्म तो हिट नहीं हुई लेकिन करीना कपूर के अभिनय की खूब तारीफ हुई थी। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस ने एक ही कपड़े में पूरी फिल्म को निकाल दिया। अगर आपको कोई याद आता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते कुछ विलेन्स जिन्होंने एक कपड़े में पूरी फिल्म गुजार दी और लोग उन्हें बहुत याद करते हैं, जैसे कि हमारे
शोले में स्वर्गीय अमजद खान जी, जिन्होंने गब्बर का वो किरदार निभाया जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मजबूत खलनायक बन के उभरा। मिस्टर इंडिया का अमरीश पुरी, मोगैम्बो, उसे भला कौन भूल सकता है। इसी तरह तहलका में अमरीश पुरी, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। उम्मीद करता हूं इस अनोखी जानकारी से आपको काफी मजा आया होगा। कमेंट करके ये बताने की जरूर कोशिश करें कि आपने किस एक्टर या किस एक्ट्रेस या किस विलेन को एक कपड़े में पूरे फिल्म गुजारते हुए देखा और वो कैरेक्टर आपके दिल के काफी करीब है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।